दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉलेज बेल एकेडमी में। आइए मैं आपको, जो आप पीछे देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का ओमकालेश्वर जल विद्युत परियोजना है। यहाँ से मध्य प्रदेश के काफ़ी जिलों में विद्युत का यहाँ से निर्वहन किया जाता है और इसी परियोजना से इंदौर शहर में पीने के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि नर्मदा जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत यहाँ से विद्युत का भी उत्पादन होता है और पानी का भी सप्लाई होती है इंदौर के लिए। और इधर आइए, दिखाइए इधर, और ये इधर देखिए, ये मध्य प्रदेश का ओमकालेश्वर धाम है। मध्य प्रदेश में दो ही शिवलिंग ज्योतिर्शिवलिंग हैं, जो कि उनमें से मध्य प्रदेश का ये ओमकालेश्वर धाम है। इसके अलावा इंदौर के पास जो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे महाकालेश्वर धाम है। पहला अपना ये है ओमकालेश्वर और दूसरा है अपना महाकालेश्वर। ये आप उन कह सकते, पहला महाकालेश्वर है, दूसरा ओमकालेश्वर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये पीछे आप जो देख रहे हैं, ये नर्मदा नदी है, जिसको माँ नर्मदा के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो नर्मदा को कहा जाता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जो कि नर्मदा नदी है। और ये अमरकंटक से निकलती है और ये अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है और जबलपुर के पास में स्थित है। थैंक यू।